HyperOS का थीम ऑफिशियली थीम स्टोर में आ चुका है। अगर आपको डाउनलोड मारना है कोई भी Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस में, आप आराम से डाउनलोड मार सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। परमानेंटली आपका डिवाइस में रहने वाला, ना कि आपका जो ऐसा है कि आपका 10 मिनट या एक घंटा बाद, आधा घंटा बाद बाय डिफ़ॉल्ट में चल जाएगा। तो ट्राई कीजिए। आपका अप्लाई करने के बाद आपको इसमें नया आइकन्स देखने को मिलता है। तो बेसिकली आपका HyperOS का थीम अगर आप कंपेयर कीजिए RAMI 14 से, तो आपको HyperOS का थीम में बस नया आइकन्स ही देखने को मिलता है। तो नया आइकन्स आपको नया टाइप का जो है लुक देखने को मिलता है। बेसिकली आपका इसमें देखने को मिल जाता है बेटर राउंडेड एजेस, और आपका सिस्टम ऐप्स या बोल सकते टूल्स का जो ऐप्स है सभी में आपको न्यू टाइप का आइकन्स देखने को मिल जाएगा, नया आइकन्स है। तो यही आपका बेसिकली चेंज हुआ आपका HyperOS का थीम में। और कंट्रोल सेंटर अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि ऐप को अपडेट करने के बाद आपका कंट्रोल सेंटर MIUI 14 में चेंज हो जाएगा। इसके लिए आपका रिक्वायरमेंट MIUI 14 और आपका Android 13 है। अपडेट करने के बाद आपको नया कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा HyperOS वाला कुछ ऐसा। और अगर आपको जानना है कैसे हो सकता हो तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखो, वेट करो, मिल जाएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ चेकआउट कर लो। सेटिंग्स में कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है, क्योंकि सेटिंग्स आपका एज इट इज़ वैसे ही रहने वाला है। कि आपका अपडेट आएगा तो ही आपको चेंजेस देखने मिलेगा, थीम आपका सेटिंग्स चेंज नहीं कर सकता है। और अबाउट फोन भी आपका एज इट इज़ रहने वाला है, आपका डिटेलिंग फोन स्पेक्स भी एज इट इज़ रहने वाला है। लोगो चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली UI भी चेंज होगा, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, बट वो अपडेट के साथ होगा, ना कि थीम से होगा। डिस्प्ले में भी चेंजेस देखने मिलेगा, और आपका पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में भी देखने मिलता है। बट अगर आप सिस्टम मतलब कि कंट्रोल सेंटर को जो अनेबल कीजिएगा नया वाला को, तो आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन में भी नया लुक देखने मिल जाए, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बट उसके लिए मेरा जो है आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। और फिर आपका देखने मिलता है डायलॉग मैसेजेस आप एज इट इज़ रहने वाला। अगर आपका MIUI का डायलॉग मैसेजेस आप है, गूगल का डायलॉग मैसेजेस आप चेंज नहीं होने वाला। फिर आपको वॉल्यूम स्लाइडर भी एज इट इज़ जो ऐसा है वैसे ही रहने वाला, कुछ इसमें आपको नया नहीं देखने मिलेगा। फिर आता है लॉक स्क्रीन, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट फीचर है HyperOS का लॉक स्क्रीन। सेकेंड आपका चार्जिंग एनिमेशन, और जो चार्जिंग जो भी आपका चेंजेस किया गया, तो अब लॉक स्क्रीन जो है अपडेट के साथ ही आएगा, जो कि आपका iOS 17 का बोल सकते हैं सेम आपको जो लॉक स्क्रीन देखने मिलता है, या आपका One UI 6 में भी देखने मिलता है, तो सेम आपको जो अब Xiaomi की तरफ से भी देखने मिल जाएगा। जो कि मेरे को पर्सनली HyperOS का लॉक स्क्रीन बहुत ही अच्छा लगा, तो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अपडेट का वेट करना होगा। बट अगर आपको आपका जो बेसिकली आइकन चाहिए HyperOS का, तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, जाइए थीम स्टोर में, सर्च कीजिए HyperUI और डाउनलोड कीजिए नया थीम, जो कि HyperUI थीम से मिल जाएगा ऑफिशियली थीम स्टोर में। तो जाओ डाउनलोड करो, 3.5 MB का है, चलिए डाउनलोड करो, अप्लाई करो, बताओ कैसा लगा। और वैसा HyperOS से रिलेटेड वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स, अपडेट रिलेटेड वीडियोस, कुछ भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, स्टे ट्यून रहो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को टैप करो, नोटिफिकेशन कॉल मेरे को, और सब वीडियोस को वेट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।